ऊपर में क्यों गर्मी ऊपर में आके बैठा था, दो इतनी बड़ी बड़ी आवाजें ही और वो बंदा यकीन मानो ऊपर में बैठे हुए बंदा काला था, वो ऐसा था कि ऐसी गंदी गंदी फूसी मारी ना उसने, दो ऐसी मारी मैंने पहले स्पीच पे चक्के, मैंने कहा ओए नूर क्या कर रहा है, अबे ऐसी हंसी रोकी है नहीं तो इस कहाँ पे हंसी रुकती नहीं किसी की, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से हम रुके यार, बड़ा बर्दाश्त किया। काला शर्मिंदा ही नहीं हुआ, सीधा सीधा हम शर्मिंदा हो गए, इतनी बड़ी बड़ी मारी मैंने, पहले आसिम को देखा फिर अभी नींद नहीं हंस रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आसिम खान ब्लॉग्स। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, 11:30 बजे हमारी फ़्लाइट है, एयरपोर्ट यहाँ से आधा घंटा दूर है, तो अभी हम जल्दी से जाते हैं, शावर वगैरह लेते हैं और फिर अपने सफ़र के निकलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अटलांटा जा रहे हैं टूर्नामेंट के लिए, और इसको अभी ट्रेन से जाएंगे, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, उससे एयरपोर्ट जाएंगे। नाश्ते के लिए कुछ है नहीं था, तो रात का मेरा सैंडविच बचा हुआ था फिली चीज़ स्टेक, जो यहाँ पे बहुत फेमस है अमेरिका में, तो वो आधा मैंने ले लिए, आधा इसने ले लिए, बहुत फेमस है ये फिली चीज़ स्टेक यहाँ पे ना अमेरिका में, तो इसकी भी पॉइंट लेते हैं। ड्राइवर है ड्राइवर, मूर्स मार इतना घबराया हुआ है ना फ्लाइट के लिए, क्योंकि फ्लाइट हमारी 11:30 बजे और अभी 9:30 बज रहे हैं, ट्रेन स्टेशन 15 मिनट और लगेंगे पहुंचते हुए, तो ये बच्चा भी नया है ना ट्रैवलिंग में, लेकिन उसको मैंने बोला टेंशन नहीं लेनी, तेरा भाई इधर है तुझे फ्लाइट पहुंचा के लेगा। असल में फ्लाइट का जो होता है ना आपको टाइमिंग का और जो है ना आपको हर सिचुएशन का जो है ना पता होना चाहिए, वो मुझे पता है, काफ़ी 10-11 साल से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है किस टाइम पर क्या सिचुएशन होगी, उस हिसाब से उसको मैंने टेंशन फ्री रखा हुआ है, तो इसको मैंने बोला इंशाल्लाह फ्लाइट हमारी मिस नहीं होगी, हम पहुँच जाएंगे टाइम से, सही है आराम से उसे मेरा काम है पहुँचाना फिर फ्लाइट मिस हो गई फिर दूसरी टिकट आप लोगे मेरे लिए। मिस नहीं होती थे मुझे पता है, आप वो बाकी जो है ना अल्लाह पे छोड़ो, देखते क्या होता है। ये मेरा कल नया सामान आया हेड का, दो बड़े बैग आए हैं, कुछ रैकेट्स वगैरह है मैंने मंगवाए थे, तो बड़ा खूबसूरत बैग है, बड़ा कम्फर्टेबल है, पुराना था उसमें सामान ज़्यादा डाल दो ना बहुत सख्त हो जाता है, मज़ा नहीं आता, वो हार्ड हो जाता, तो ये ज़्यादा कम्फर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है, इतना सामान रखा हुआ लेकिन फील नहीं हो रहा, खूबसूरत है कि नहीं है हेड के बैग, आपको पता है कि क्या लेवल होता है हेड के बैग का, फुल प्रो वाली फीलिंग आ रही है। नूर घर बात कर रहा था आगे पीछे घूम रहा था, देख इसको पसीना कितना आगे खड़े करे, इसको मैंने बोला एक जब खड़ा हो जाए नहीं। फाइनली एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए हैं, अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी की तरफ, उम्मीद है सिक्योरिटी पे रश नहीं होगा, अगर वहाँ पे रश हुआ तो फिर शायद थोड़ा मसला हो सकता है, लेकिन हम सेफ है, ठीक है ना, सेफ है, पहुँच गए खैर खैर, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ हो गया, अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ, यार भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, नाश्ता हमने किया ना इसने कि मैंने किया, आधा आधा सैंडविच खाया था, तो सोचा यहाँ पे आगे कुछ कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, लेकिन इधर टाइम ही है हमारे पास, तो हमें सीधा भी जाना है, गेट हमारा क्लोज होने वाला है, वहाँ पहुँचना, फ्लाइट में बैठेंगे तो इंशाल्लाह ताला अटलांटा पहुँच के कुछ खाएंगे। आप सर यहाँ पे सारा रश चेक करें, पूरा एयरपोर्ट जो है ना फुल जैम हुआ है, और खैर खैर से पहुँच गए, लेकिन इतनी बुरी फ्लाइट थी ना, 2 घंटे फ्लाइट हमारी डिले हो गई थी, और अंदर बैठ बैठ के सत्यानाश हो गया था। अभी हम उतरे हैं, देखे अभी पीछे काफ़ी फ्लाइटें जो है ना डिले हो गई हैं, अमेरिका में ये मसला इतना रश होता है, यहाँ पे जो है ना फ्लाइट्स बहुत सारी, मतलब 90% फ्लाइट जो है ना डिले हो जाती हैं, तो अभी हम चलते हैं जल्दी जल्दी, हमने कार रेंट की हुई है, हमारा दोस्त पहले से इधर ही है तो उससे मिलते हैं। भैया जी ये अटलांटा का एयरपोर्ट है या पूरा शहर है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, ख़त्म ही हो रहा है, पिछले 20-25 मिनट से हम घूम रहे हैं, एयरपोर्ट नहीं ख़त्म हो रहा, और एक अच्छी खबर मिली है कि गाड़ी जो है ना हमें नहीं मिली, आउट ऑफ स्टॉक है, हमें चाहिए था, पहले से बुक करना चाहिए था, हमारा दोस्त आया हुआ पहले का, उसने कहा था मैंने बोल दिया गाड़ी आ रही है, लेकिन अब पता चला कि गाड़ी हमें नहीं मिल रही, तो अभी जाते सबसे पहले अपने दोस्त को ढूंढते हैं, फिर उसके बाद कोई ना कोई बंदोबस्त करते हैं, बहुत ज़्यादा ख्वारी होने वाली है। दिमाग खराब है आपका यार, आपको हमने क्या बोला कि आप यहाँ पे आओ, हमें पहले भेजने का मकसद क्या था आपके, हमें बताओ, इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि मानो सुबह 6 बजे का आया हुआ है, पूरे 8 घंटे हो गए हैं,
मुंह से गंदी तू छोड़ दे, नहा के नहीं है होटल कराया था, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। हम तो हलाल खा दे, इसने झटके वाले चिकन खा लिए, मुंह से केचप की स्मेल भी आ रही है। तू झटका क्यों खाता है यार, तू कितने माला कोई झटका ना खाया कर, बुरी बात है। ये क्या बंद कहेगा नहीं तुझे, मैं हम नहीं आते क्यों बुलाया नहीं तुझे यहाँ पे क्यों बुलाया कि तू गाड़ी के बंदोबस्त करे सब, हमारा हमें अच्छा प्रोटोकॉल दे। ये हमारे लास्ट दो तीन लोग मिले थे इसको हम लेकर आ रहे, इसका नाम अब्दुल मालिक है, हमारा बड़ा भाई है, नहीं नहीं भाई है बॉस, बॉस है यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये हमारा बड़ा भाई है, ये अब हमें गाइड करेगा कहाँ पे जाना। जी सर बताए, बंद करो कैमरा फिर बात करनी है, गालियां दे रही है यार, एक फेमस कर रहा है आपको तेरा बस यहां शो फेमस हो रहा है मेरे व्लॉग पे बेटा तू, ये दान देख कर दे पूरा सीना किया। ओए तू पेस भी उठा के, तू पेस भी उठा के ले गया हमारी, सुबह हम पेस करने के लिए बैठे, पेस नहीं थी जैसे नहीं हम करके निकले यार, ये हमारा फरहान हाशमी व्लॉग्स देख रहे मेरे, आजकल व्लॉग्स डाल रहा हूँ मैं भी बना रहा हूँ, ये फरहान हाशमी है मेरे फोटो मेला, पाकिस्तानी पाकिस्तानी बच्चा बिछड़ गया था यहाँ पे यार मेरे का वो है क्या, ट्रंक आंटी आई है, चार्जर निकला हो इसको, चार्जर निकाले ना जरा इस तरह, आप बोलो ट्रंक आंटी आई है निकाली है, नूर पास पास करी है, नूर को देख मुझे नहीं सब हमने जो होता है प्लांट बेस्ड मीट नहीं होता उसमें, इस बंदे को मैंने बोला मीट नहीं होता पूरा प्लांट बेस्ड होता है, लेकिन ये कह रहा था कि नहीं भाई हमने झटका झुटका नहीं खाना, प्लांट बेस्ड, हाँ जी मैंने आपको ये बताया था कि प्लांट बेस्ड होता है वो, हमने यार भाई भूख लगी हुई है, खाने का वेट करे, खाना है जल्दी दिखाएंगे, फिर कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, खाना खाना आता था आपको बर्गर दिखाते हैं, बर्गर कैसा होता है प्लांट बेस्ड। फाइनली हमारा बर्गर आ गया, फ्राइज है, बड़े मजे की फ्राइज है यार, सुकून ओहो यार ये बात नहीं, इसको ना देख रही पहले, मुझे देख रही फिर यार, आप ना हो बीच में, पहले मैं बैठ, अच्छा पहले आप नूर अब आपकी बारी, बड़ा सा मुंह खोलो यार, खा तो लिया इतना बड़ा भाई आप हमारा, एक मिनट नूर अब आपकी बारी, बिस्मिल्लाह स्लिपरी बहुत है यार, क्या कर रहा है पागल तो नहीं हो गया बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट, ये बाइट आने वाली है बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट, क्या कर रहा और वलीद के साथ अली लो, वलीद अच्छा क्या था यार, भाई मजे का नहीं, मजे का बहुत झटका खा गया ना भाई, झटका खा गया ना, कहते मैं नहीं खाता झटके में, बहुत मजा खाने कदम ग्रोसरी के लिए आए हुए यार, बड़ी बुरी हालात है, गाड़ी हमें रेंट पे मिल नहीं रही, कोई अवेलेबल नहीं है, और हम तकरीबन वेन्यू से रह रहे हैं 50 मिनट, क्या कहते हो नूर कैसा गुजारा होगा हमारा, ये तो ऊपर पे डॉलर लग लग के पागल हो जाएंगे हम, बहुत पागल अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी फिलहाल कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं कि क्लब के पास कोई होटल ले लें, कोई आस पास अकोमोडेशन निकल आए, इंशाल्लाह कुछ तो कुछ निकल आएगा, अकोमोडेशन हो गई लेकिन गाड़ी का मसला, बस गाड़ी का मसला हल हो जाए, ट्रेन का हिसाब भी होना, ट्रेन हमें 3 घंटे पहुँचा रही है,
अच्छा आप लोगों को मैंने घर नहीं दिखाया, ये घर है छोटा सा, यहाँ पे आज रात रहने वाले हैं, फिर कल हम नहीं रहेंगे। अब्दुल क्या नाम है तेरा नूर, कल रहने के लिए रहना, क्योंकि जाने का बंदोबस्त नहीं है तो हम नहीं रहेंगे। ये यहाँ पे देखे मूवी वगैरह देखे आप लोग, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सारा किचन किचन भी दिखाना, और यहाँ पे अच्छी चीज़ यहाँ पे स्क्वाश कोर्ट भी है, तो आप सुबह उठ के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये स्क्वाश कोर्ट है, यहाँ पे छोटा सा जिम बनाया हुआ है, तो सुबह उठ के वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम टूर्नामेंट खेलने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या आता है। फर्स्ट बेडरूम है, वहाँ पे बाथरूम है, और ये सेकंड छोटा बेडरूम जहाँ मैं सो रहा हूँ वो बड़ा बाथरूम है, ये लॉन्ड्री है। तो ये कुछ सीन है यहाँ के। होटल भी बहुत महंगे आ रहे हैं, लेकिन होटल लेना पड़ेगा हमें, होटल में कंजूसी नहीं करनी। तो नहीं तो ऊबर पर रोज़ाना अगर जाएंगे आएंगे हमारा तो अल्लाह माफ़ करे कर्जा चल जाएगा 2-3 लाख का। पाकिस्तान तो फिर बहुत दो पाकिस्तान 2000 में कमरा मिलता है भाई जान, 2000 में कसम से कमरा। पीसी जाओ आपको 12000 कमरा मिल जाता है ना, उसको इधर जो है क्या पीसी का कमरा भेजें 12000 का, नहीं पीसी का तो 20000 का में, 20000 का ना, 20000 डॉलर में कितने हो गए। हमने पीसी में जरूर है ना, वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे होटल से 5000-6000-7000 में होटल मिल जाता है आराम से, ठीक है ना, खाना अच्छा मिल जाता है, चीज़ें पास है। यहाँ पे तो बाहर कुछ है नहीं, जब भी खाना पीने में जाना है हमें 20 मिनट ड्राइव करनी पड़ी है, जंगल में आए हैं। एक दिन मैंने बाल कटवाए थे 26 डॉलर के, जब मैंने कट किया तो 7500 रुपये, मैंने कहा 7500 रुपये तो मैं 2 महीने हो गए, मैंने भी वहीं से कटिंग कराई थी जहाँ से तूने कराई थी। ये बंदा 26 डॉलर नहीं बोल रहा, पाकिस्तान में डाइट यार बातों की बातों छोड़ो, जब कालों ने पद मारे थे गाड़ी में आगे मैं बैठा था यार, शर्मिंदा नहीं हुआ, हम शर्मिंदा हो गए तो वो शर्मिंदा नहीं हुआ। हमारा डिनर में चिप्स चल रही है और बोतल चल रही है, पार्टी हो रही है हमारी, रेस्टोरेंट पास कोई है नहीं, जंगल में फंस गए, जंगल में बस ये डिनर, अंडे पड़े हुए हैं, दूध है और ब्रेड है, ऑमलेट बनाएंगे और दूध पियेंगे साथ, चाय चाय बनाते हैं, चाय बनाते हैं ठीक है ना, और फिर क्या कहते हैं ऑमलेट बनाते हैं और पी के बस हो जाते हैं, बस सुबह उठ के फिर ये खाएंगे फिर निकल जाएंगे, थोड़ा ओटमील खा लेंगे, ओटमील इस ज़्यादा हेल्दी है। चलो भाई जान आज के लिए इतने ही व्लॉग को एंड करते हैं, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी देखे अपना ही व्लॉग चल रहा है मेरा यहाँ पे।